नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट यारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 9 जुलाई 2024। आज के दिन FY25 फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर वन के रिजल्ट शुरुआत हो चुकी है। अब इसी दौर में सबसे पहला जो रिजल्ट आ चुका है वो है डेल्टा कॉर्प का। अब ये डेल्टा कॉर्प का रिजल्ट किस तरीके से है, क्या है इसका, कल के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में किस तरीके से इंपैक्ट हो सकता है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले कि रिजल्ट क्या है वो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों डेल्टा कॉर्प का क्वार्टर वन रिजल्ट में 22 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 68% की कम आ चुका है। यानी कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 24 क्वार्टर फोर के जो 24 रिजल्ट अनाउंस हो चुके थे वहां पर इस स्टॉक का जो प्रॉफिट हुआ था वो 68 करोड़ रुपीस हुआ था, उसी को वो 67% डाउन होके अभी 22 करोड़ रुपीस हो चुका है। यानी कि थोड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो रिवेन्यू में भी जो लास्ट क्वार्टर में 25 करोड़ था, 2259 करोड़ था रिवेन्यू, वो घटके 30% यानी कि 30% घटकर 181 करोड़ हो चुका है। ये है फाइनेंशियल 2025 क्वार्टर वन का डेल्टा कॉर्प का रिजल्ट। अब इसी दौर में डेल्टा कॉर्प ने जो अपने शेयर होल्डर्स है उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज दी है। उन्होंने डिविडेंड को भी ऐलान किया है, जो कि डिविडेंड ऑफ रुपीज 1.25, मतलब पर शेयर आपको 1.25 1.25 रुपए डिविडेंड आपको अनाउंस भी कर दिया है। तो इसी के चलते अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो क्वार्टर वन के रिजल्ट इस तरीके से आ गए हैं। तो अनुमान से थोड़े से मिले जुले आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करेंगे तो थोड़े से खराब नतीजे माने जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट रिजल्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मैं यहाँ पर स्टॉक्स के रिलेटेड न्यूज अपडेट अलर्ट और डेली निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन आपसे प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।